से पूछा है ग्राम निवाई जिला टोंक के कृषक महेंद्र सिंह ने, ये चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चना जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है, और इतने महत्वपूर्ण दलहन फसल जो हमारा चना है, इसमें कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, और इसमें जो सबसे प्रमुख कीट है वो चना फली छेदक कीट है, और इससे 30-40% तक की क्षति हो जाती है। चना फली छेदक कीट जैसे बुआई के 20-30 दिनों बाद इसका जो प्रकोप है वह फसलों पर देखी जाती है। चना फली छेदक कीट की पहचान कैसे करेंगे? इल्ली जो है, इल्ली के शरीर पे भूरे रंग की धारी होती है, इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये चना फली छेदक कीट की इल्ली है। और इसके जो पतंगे हैं, जो मौत हैं, उनके जो पंख हैं, पंख के निचले सतह पर काले धब्बे होते हैं, और उसके समीप में ही गोल धब्बे भी, काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। तो ये तो इनकी पहचान हो गई। तो इसकी जो इल्ली होती है वो शुरू में हल्के पीले रंग की होती है, और जैसा कि इसका जो वयस्क है वो भूरे रंग का होता है, और पत्तियों और फूलों पर भी ये अंडे दे देती हैं, और इन्हीं अंडों से जो इल्ली है या पिल्लू, जो हल्के हरे रंग के होते हैं, और ये शुरू में पत्तियों को ही खाते हैं। और फली भेदक, इसका प्रकोप पत्तियों व पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सुंडी फसल की कोमल पत्तियों को खुरच खुरच कर खाती हैं, और द्वितीयक सुंडी संपूर्ण पत्तियों, कलियों और पुष्पों को खाती हैं। तृतीयक अवस्था की सुंडी चना की फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाती हैं। एक वयस्क सुंडी 7-16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। जब ये बड़ी हो जाती हैं और पौधों में फल आने लगते हैं, जब फली लगती हैं तो इन फलियों में घुस जाते हैं और घुसकर इन दानों को खाते हैं, और उस जब दाने लगने लगते हैं तो इनकी आकार भी बड़ी हो जाती हैं, जिससे ये इल्ली आधा सिर जो है, सिर और शरीर इनका फली के अंदर घुसा रहता है और आधे शरीर इनके बाहर लटके रहते हैं, और इस तरह से ये दानों को खाते रहते हैं। इल्ली है ये जो इल्ली, एक इल्ली करीब 30-40 फली को अपने जीवन काल में खा जाती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप 10-12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्र में 50-60 बर्ड पंच लगाना चाहिए, ताकि चिड़ियां उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें। इन ट्रैपों में नर मौत आकर्षित होकर इन ट्रैप में आते हैं, और जो इसके बैग होते हैं, पॉलीथीन बैग ट्रैप के, उसमें आकर फंस जाते हैं। रासायनिक कीटनाशी में स्पेनोसेड 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अन्य कीटनाशी में प्रोफेनोफॉस 50 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जैविक कीटनाशी में NPB न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का 250 LE प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।